अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ नताशा वकार, आप किधर जा रहे हैं। सो ये वाला मेकअप लुक की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप ये वाला मेकअप लुक आपने कैसे किया था, ये अच्छी करके दिखा दें। सो आज की वीडियो इसी मेकअप लुक के ऊपर है, टाइम वेस्ट किया बगैर वीडियो स्टार्ट करते हैं। काफ़ी टाइम से मेकअप लुक की वीडियो भी मैंने शेयर नहीं की, तो मैंने कहा वाई नॉट आज शेयर कर देते हैं। सो अभी मैंने फेस को वॉश किया हुआ और लेंस लगाया हुआ मैंने। सो अभी मैं क्या करूँगी, मेरे पास बीबी क्रीम है एक, मैं वो लगाऊंगी। कोई भी लगा सकते हो आप लोग, किसी भी ब्रांड की, ठीक है। ब्रांड ज़रूरी नहीं है, यूज़ करने का तरीका क्या है वो ज़्यादा ज़रूरी है। सो ये देख लें जी, बीबी क्रीम ले ली है। तो लगाने का तरीका आपको पता है कि मैं एकदम से ब्लेंड नहीं करती हूँ, मैं पहले उसको स्प्रेड कर लेती हूँ और उसके बाद जो है मैं उसको ब्लेंड करती हूँ, ठीक है। कहीं भी कोई निशान वगैरह आपने उसके ऊपर इसको लगाया और थोड़ी देर आपने छोड़ देना इसको स्प्रेड करके, लगा के नहीं छोड़ना इसको, ऐसे लगाया गर्दन पर भी लगा लेती हूँ। ड्रेस बाद में चेंज करूँगी बेस बनाने के बाद। मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं की थी क्योंकि मुझे नहीं पता था कि आप लोग इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट करोगे इस वीडियो के लिए। अब देखिए, हम इसको हल्के हल्के हाथों से, रिंग फिंगर से या किसी भी फिंगर से आप इसको फैला लो, ठीक है, बहुत हल्के हल्के हाथों से इस तरीके से। और बाद में जो गीला स्पंज होता है ना उसमें से अच्छे से सारा पानी स्क्वीज करके इसको हम ब्लेंड करेंगे, ठीक है। नोज़ पे फाउंडेशन नहीं लगाते, जो स्पंज में रह जाता है फाउंडेशन सिर्फ वो नोज़ पे लगाते हैं क्योंकि नोज़ को इतनी ज़रूरत नहीं होती फाउंडेशन की, ठीक है। सो ये देखें, मैंने स्प्रेड कर लिया है गर्दन पर भी, अब एक दो सेकेंड छोड़ूंगी उसके बाद इसको ब्लेंड करूँगी। ये देखें, सो ये देख लें, इसको स्प्रेड हुए हैं ना कम से कम 2-3 मिनट हो चुके हैं। स्पंज को मैंने गीला करके निचोड़ लिया है, स्पंज के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है कि मैं कौन से स्पंज यूज़ कर रही हूँ। अब इसको हल्के हल्के से करके हम इस तरीके से बिठा लेंगे, ठीक है, कि जहाँ पे मुझे निशान है, कोई स्पॉट है, वो सब छुप जाएगा इस तरीके से। और इस तरीके से बीबी क्रीम या कोई भी फाउंडेशन है ना आपको, वो बहुत ज़्यादा अच्छी कवरेज देता है, ठीक है। सो बैक साइड पर मैं इस तरह लगा रही क्योंकि मैं बाल खोलने हैं, तो ये देख लें कितने अच्छे से जो है इसकी ब्लेंडिंग हो गई, नज़र आ रहा है आपको। ये तो ये इसकी टेक्निक है कि इस तरीके से आप लगाया करें। लोग क्या करते हैं ना कि फाउंडेशन लगाया और साथ ही ब्लेंडिंग स्टार्ट करती, तो उससे क्या होता है कि सारा फाउंडेशन तो स्पंज खा जाता है। देखिए, स्पंज ने बिल्कुल भी फाउंडेशन नहीं खाया। सो जिस तरीके से आप लगाते हो ना, सारा फाउंडेशन स्पंज खा जाता है और आपको फिर रिजल्ट नहीं मिलता, आपको बार बार फाउंडेशन लगाना पड़ता है। ये ना मेरा एक पर्स है जो टूट गया है और सारा का सारा मेकअप, क्रीम, सनस्क्रीन, सीरम जो जो मैं लगाती हूँ सब इसके अंदर है। आजकल मैं ये वाली क्रीम यूज़ कर रही हूँ कलर को साफ करने के लिए, डर्मोलाइट फेस वाइटनिंग क्रीम, इसका रिव्यू कर दिया था मैंने। और सीरम या सी सेल, इसके अंदर फिरोलिक एसिड है, वाइटामिन सी है, इससे एजिंग नहीं आती, इसकी भी मैंने वीडियो कर दी थी, आप लोग देख लेना अगर आप लोगों ने नहीं देखी। और सनस्क्रीन, क्योंकि मैं रेटिनॉल लगा रही हूँ रात में, के साथ ना सनस्क्रीन लगानी पड़ती है आपको लाजमी, जब आप दिन में निकलते हो, धूप में जाते हो। बेशक रेटिनॉल रात को लगाते हैं, दिन में नहीं लगाते, पर सनस्क्रीन लगानी पड़ती है। ब्लश लिया, यही गीला स्पंज है, ब्लश ऐसे लगाया इसके अंदर और तरीके से पहले बोन पे लगाना है ऐसे, ये देखें, उससे ना आपको कंटूरिंग की जरूरत नहीं पड़ती। मैं लाइट के सामने जाती हूँ क्योंकि मैं लाइट नहीं जलाई हुई एक्स्ट्रा। ये देखें, इतना प्यारा ब्लश लगता है, बार बार रिफ्रेश करना नहीं पड़ता। ये मैंने टेक्निक आपको सिखाई हुई है सारी कि स्पंज, अब देखें दोनों साइड में डिफरेंस कितना प्यारा जो है इससे ब्लश लग गया। मुझे बस ऐसा ही नेचुरल सा ब्लश चाहिए था। एक दफा और प्रेस किया, पहले बोन पे लगाया, उसके बाद पूरे चीक्स पे, फिर नोज पे, फिर जॉ लाइन पे। इससे ना ये चीज़ आपकी कवर हो जाती है क्योंकि मेकअप के बाद ना आपकी जो जॉ लाइन है ना वो डबल डबल लगती है, तो इसको कंटूर करना पड़ता है। और हल्का सा फोरहेड पे, यहाँ पे बस, और फिर इसी के कॉर्नर पे लगा के मैंने इसको आईज के ऊपर लगा लिया था ऐसे, इसके कॉर्नर पे लगाया यूं, किसी को आई के नीचे लगाया ऐसे और ब्लेंड कर लिया, नोज पे लगाया। अब इसी में से हाइलाइटर लिया, सेम ऐसे प्रेस किया क्योंकि स्पंज गीला है, सो हम हाइलाइटर लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा हाइलाइटर लगेगा और बहुत देर तक स्टे करेगा, नज़र आया। और अभी मैं आपको लाइट में लाकर जाकर डिफरेंस दिखाऊंगी क्योंकि अभी हम अंधेरे में बैठे हुए हैं। ये सिंपल सा मेकअप, बस एक ही पैलेट, उसी से ब्लश लगाया, उसी से हाइलाइटर लगाया और बीबी क्रीम लगाई, और आप रिजल्ट चेक कर सकते हो बगैर लाइट के, ये रिजल्ट्स हैं। और लाइट में दिखाती हूँ, लिपस्टिक फ्रेश करती हूँ मैं अपनी। अच्छा, जो इसकी ये टिप है ना हाइस की, जो हमारे पास ये है ब्लेंडर, इसकी टिप से मैंने इस तरीके से ब्रो बोन को हाईलाइट किया और इसकी टिप से इनर कॉर्नर को इस तरीके से हाईलाइट कर लिया। ये देखें, नज़र आया आपको। और आपको लग रहा है हाइलाइटर कम है, आप थोड़ा सा और लगा लें। इस स्पंज से ना आपका मेकअप 16 घंटे भी, आपका हाइलाइटर, आपका ब्लश कहीं नहीं जाता, 16 घंटे भी आप इसको लगाए रखो। उसके बाद यही सेम पैलेट से मैंने इस तरीके से लिया शेड और इसको मैंने लगा दिया यूं फिंगर से आई के ऊपर ऐसे, सेम ऐसे दूसरी आँख पे किया था मैंने। बस लिपस्टिक मैंने लगाई थी खाइस की, वहाँ अगेन लगा लेती हूँ।
सो लिपस्टिक मैंने लगाई थी ये वाली, इसका नाम है ब्रेखना, और मैं आपको अभी लगा के भी दिखा देती हूँ। हाइस की लिपस्टिक हैं, जब से मैंने ख़रीदी हैं मैं कोई और ब्रांड यूज़ नहीं करती हूँ। ये देखिए इतना प्यारा कलर है, इसका फार्मूला बहुत ही लाइट है, और ना ये ना आपको टाइम देता है कि आप मिक्स कर लो इसको इस तरीके से, और इसको लगाने के बाद आपको आउट लाइन ये देखिए लाइट में मेकअप, इसको लगाने के बाद आपको आउट लाइन भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और एक दफ़ा की ही एप्लीकेशन बहुत फिट है, मतलब कि दोबारा दोबारा लगाना नहीं पड़ता, बहुत ही पिगमेंटेड है। अब मैं लैशेस लगा के आती हूँ और आपको ओवरऑल लुक दिखाती हूँ, ठीक है। सो जी ये था मेरा उस दिन का मेकअप, अब मैं किस जगह पे ना, सो ये था जी मेरा उस दिन का मेकअप, आप करीब से देख लो अच्छे से, ब्लश, आई मेकअप, लैशेस, लाइनर, इनर कॉर्नर का लाइनर, लिपस्टिक, हर चीज़। और मैंने सिंपली जो है वो ऐसे बाल खोले थे यूँ, ऐसे ही वाला ड्रेस पहना था, सेम ऐसे मैंने बेल्ट लगाया था, ये वाले इयर रिंग्स पहने थे। मैं लाइट में जाकर दिखाती हूँ आपको मैं कैसी लग रही हूँ, ठीक है। सो जी मैं रेडी होकर आ गई हूँ, ये मेरा फाइनल लुक है, देखिए आपके सामने बेस बनाई है, ब्लश लगाया है, आईज मेकअप देख लें आप लोग, और मैंने बस ऐसे सिंपली बाल खोल लिए थे, ये वाले इयर रिंग्स पहने थे, ऐसे मैंने बेल्ट लगा के दुपट्टे का ये वाला स्टाइल किया था, और ये वाला हैंड बैग कैरी किया था साथ में, जो आप सब लोगों ने बहुत ज़्यादा, ये ओवरऑल लुक था मेरा, मैं बैग से भी दिखा देती हूँ आपको ऐसे। तो ये मेरा ओवरऑल लुक था, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया था, कितना इजी है मेकअप था, सिर्फ 3 स्टेप थे, सारा मेकअप जो था वो ब्यूटी ब्लेंडर से था, उसी से ब्लश लगाया, उसी से हाइलाइटर। अब करीब से देखो आप कितना अच्छा लग रहा है, ये देखें साइड पोज भी देख लें आप, फ्रंट से भी देख लें आप लोग, ये वाला पोज भी देखें आप लोग। सो इतने मज़े का सारा मेकअप हुआ था, और यूँ चुटकी और मेकअप हुआ था, 5 या 10 मिनट्स लगे होंगे मुझे मोस्टली इस मेकअप में, और बाल मैंने खोल लिए थे इस तरीके से। सो आई होप कि आज की मेकअप वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी, ऐसा लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, और जब आप लोग ये मेरा लुक क्रिएट करोगे मुझे टेक कर देना, मैं अपनी स्टोरी में शेयर करूंगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।